आधार कार्ड का न्यू एप्लीकेशन एम आधार गवर्नमेंट की तरफ से पुराना एप्लीकेशन को रिप्लेस करके एक नया एप्लीकेशन बनाया गया है, उसका नाम है एम आधार। इस एप्लीकेशन में आपको कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला, आप अपना एड्रेस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना फोन नंबर को या फिर ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड का एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारा ऐसा फीचर्स देखने को मिल जाएगा इस एप्लीकेशन में। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को आप एंड तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल पर एक गिवावे चल रहा है। अभी तक आपने गिवावे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप यहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहा है स्मॉल टेक चैनल। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर जाकर देखते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर एम आधार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड करने का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप उस परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो चलिए मैं सब परमिशन को अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप, आप स्किप पर क्लिक करेंगे। स्किप पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का कुछ हाईलाइट फीचर्स यहाँ पर बताया गया है, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आई कॉन्सेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना लैंग्वेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर को इंटर करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं OTP को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। OTP फिल करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन पर होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर रजिस्टर माई आधार, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक 4 डिजिट का पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं एक 4 डिजिट का पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 डिजिट का पासवर्ड सिलेक्ट करते ही आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP को फिल करने के बाद आप इस वेरीफाई वाला बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप अपना पूरा एड्रेस को देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट TOTP, आप यहाँ से TOTP क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन SMS ऑफलाइन हेल्प, आप कोई ऑफलाइन हेल्प के लिए यहाँ से SMS कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है CRE KYC, आप अपना KYC को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शो QR कोड, आप इस पर क्लिक करके आप अपना QR कोड को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से इस QR कोड को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर वाला बटन पर क्लिक करना होगा। शेयर वाला बटन पर क्लिक करने के बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था आप उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर देंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद आप यहां से किसी को भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, एक्सेंडर या फिर जीमेल या फिर मैसेज, इसमें से आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आप देख सकते हैं जेनरेट VID, इसका मतलब वर्चुअल आईडी। आप अपना आधार कार्ड का नंबर से एक वर्चुअल आईडी जेनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP को फिल करने के बाद आप यहां से जेनरेट VID इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड का एक वर्चुअल आईडी नंबर यहां पर आ गया है। तो चलिए मैं इसको सिंपली बैक कर लेता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर आप देख सकते हैं आधार लिंक बैंक स्टेटस, आपका आधार कार्ड कौन सा बैंक के साथ लिंक है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है आप उस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं कैप्चर को फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप रिक्वेस्ट OTP इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड के साथ सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट लिंक है, एक्सिस बैंक, आप उसका डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो वो सब यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरा आधार कार्ड के साथ एक ही बैंक अकाउंट लिंक है इसलिए यहाँ पर एक ही शो कर रहा है। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार अपडेट हिस्ट्री, आप अपना आधार कार्ड को कितना बार अपडेट किया है और सब कुछ डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर दिया गया है आप उस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देंगे। कैप्चर को फिल करने के बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी को इंटर करने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं आप अपना आधार कार्ड को कितना बार अपडेट किया है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। डेट ऑफ अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट दिया गया है, आप क्या क्या अपडेट किया है वो सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, आप जितना बार अपडेट किया है वो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, आप अपना आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। ओटीपी को फिल करने के बाद आप इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, आप किस डेट से किस डेट तक ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर मार्च 1 को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक डेट को चूज़ कर लेता हूँ, अप्रैल 12 ही रहने देता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ से ऑथेंटिकेशन टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ से क्या क्या देखना चाहते हैं, बायोग्राफिक या फिर बायोमेट्रिक या फिर ओटीपी, आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसको ऑल कर लेता हूँ। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ से इसको ऐसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, आपको पूरा हिस्ट्री दिख जाएगा यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट आधार लॉक, आप अपना आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। मान के चलो आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो उस टाइम आप अपना आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट वर्चुअल आईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू वर्चुअल आईडी आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पास अपना आधार कार्ड का वर्चुअल आईडी है तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अभी बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, आप अपना बायोमेट्रिक को यहाँ से लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरा बायोमेट्रिक अनलॉक है, तो इसके लिए यहाँ पर लॉक बायोमेट्रिक शो कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मान के चलो अगर अपने कोई दुकान पर कोई सिम या फिर दूसरा कोई काम के लिए गए हो, वहाँ पर आपका आधार कार्ड को लेने के बाद जो आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है वो आपका फिंगरप्रिंट पूरा बंद हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बाद में भी अनलॉक कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको कभी भी अनलॉक या फिर लॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद चलिए हम अभी होम पेज पर चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्विस। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आधार कार्ड डाउनलोड, आधार कार्ड रिप्रिंट, ऑफलाइन KYC। तो चलिए मैं एक एक करके सब कुछ ऑप्शन को आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले डाउनलोड आधार, आप इस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला आधार नंबर, दूसरा वर्चुअल आईडी, तीसरा इंडोमेल आईडी। तो चलिए मैं आधार कार्ड से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड को इंटर कर देंगे, तो चलिए मैं अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आधार कार्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर लिखा है आप उस कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देंगे, तो चलिए मैं कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। कैप्चर को फिल करने के बाद आप सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड सक्सेसफुली PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। अपना आधार कार्ड को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। पासवर्ड आपका नेम का जो पहला 4 डिजिट है उसको इंटर करना होगा और दूसरा आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको इंटर करना होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका नाम लता कुमारी है तो आप सिंपली आपका नेम का जो पहला 4 डिजिट है LATA उसको इंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है उसको इंटर करेंगे। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा नेम है इमाद, तो चलिए मैं अपना नेम का पहला 4 डिजिट को इंटर कर देता हूँ, IMAD। आप यहाँ पर जो कुछ भी इंटर करेंगे सब कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो चलिए मैं कैपिटल लेटर में यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। नेम का 4 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपका आधार कार्ड आपके सामने दिख जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल पर सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ, इसको हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं ऑर्डर आधार रिप्रिंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस के थ्रू मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और 50 रुपीज़ पेमेंट करना होगा उसके लिए।
अगर आप अपना आधार कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके आधार कार्ड पर अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना आधार नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे, आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आधार नंबर को इंटर करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चर को फिल कर देंगे, यहाँ पर जो जो लिखा है आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए मैं वो लिख देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओटीपी को फिल करने के बाद आप वेरीफाई वाला बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई पर क्लिक करते ही मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर लिखा है लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के लिए अभी पूरा सस्पेंड किया गया है, इसको अभी आप ऑर्डर नहीं कर सकते। चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अगर आप अपना आधार कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप लॉकडाउन के बाद इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं रिटेडिव ईआईडी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आप उसको इंटर कर देंगे, और इंडोमेल नंबर है तो आप उसको इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना फुल नेम को यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कर देंगे। ईमेल आईडी डालना यह ऑप्शनल है, इसको आप नहीं डाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर करके फिर यहाँ पर कैप्चर को फिल कर देंगे, फिर रिक्वेस्ट ओटीपी करके आप अपना आधार कार्ड को सर्च कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं इसको अभी बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्चुअल आईडी जनरेटर। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको पिछले पार्ट में बताया था। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड स्कैनर, आप किसी भी आधार कार्ड का क्यूआर कोड यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप सिंपली इस प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जिस आधार कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं उस आधार कार्ड को यहाँ पर इसके सामने लाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्कैनिंग हो रहा है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। आधार डाटा वेरीफाइड यहाँ पर लिखा है, आधार कार्ड का नंबर, नेम, मेल, फीमेल सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस। अगर आप दूसरा आधार कार्ड को स्कैन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर से दूसरा आधार कार्ड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई आधार, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, आपका आधार कार्ड सही है या फिर गलत है। उसके लिए आप अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर कर देंगे, उसके बाद इस कैप्चर को फिल करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। आधार कार्ड का नंबर और कैप्चर फिल करने के बाद आप इस सबमिट वाला बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार वेरीफाइड यहाँ पर लिखा गया है, ये अभी एक्टिव है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई ईमेल और मोबाइल, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और अगर आप ईमेल आईडी को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना आधार नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। आधार नंबर को इंटर करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर है उस कैप्चर को आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए मैं कैप्चर को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप सिंपली वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई करते ही यहाँ पर लिखा गया है मेरा मोबाइल नंबर वो वेरीफाइड है मेरा आधार कार्ड के साथ। अगर आप दूसरा आधार कार्ड को दिखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप दूसरा आधार कार्ड को चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट एड्रेस ऑनलाइन, रिक्वेस्ट एड्रेस, वैलिडेशन लेटर, आधार अपडेट हिस्टोरी, और नीचे की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, और यहाँ पर लास्ट जो है बुक एंड अपॉइंटमेंट। इस ऑप्शन के बारे में मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस ऑप्शन के बारे में एक अलग वीडियो बना के पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, आप कैसे अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हैं वो पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक पार्ट वन वीडियो है, इसका पार्ट टू मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा, उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side.